एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ छत्तीसगढ़ी दो कुजीन की रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। पहली रेसिपी है फरा, जिसको मैंने दो स्टाइल से बनाया है, और दूसरी रेसिपी है चीला। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो फरा बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स हैं: चावल आटा, बचे हुए चावल, नमक स्वाद अनुसार, तड़के के लिए हरी मिर्ची और कलौंजी और सूखी मिर्ची, और साथ ही टमाटर की चटनी बनानी है। तो चटनी के लिए धनिया पत्ती, हरी मिर्ची और चार टमाटर। एक बाउल में चावल आटा ले लीजिएगा, उसमें ऐड कर दीजिएगा नमक, उसके बाद ऐड कर दीजिएगा धनिया पत्ती, और उसके बाद बचे हुए चावल। ये बचे हुए चावल आप रात के भी ले सकते हैं और दिन के भी ले सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका सख्त डो रेडी कर लीजिए। तो ये डो इज रेडी। अब ये चटनी जो मैंने आपको दिखाई थी उसको मैं पीस लूँगी। तो चटनी इज रेडी। अब चावल आटे की लोई थोड़ी थोड़ी लेके उसको इस तरह से दबा के लंबा शेप ले लेती हूँ, लंबा शेप ले लूँगी। आप जो भी चाहे पसंद, अपनी पसंद की शेप ले सकते हैं फरा के लिए, और नहीं तो आप बड़ा सा लोई लेके उसको लंबा कर लीजिएगा, फिर बीच से कट कट लगा लीजिएगा तो भी लंबाई हो जाएगा। आप अपनी पसंद से शेप रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे तैयार कर लिए हैं फरे। अब तेल गर्म हो चुका है, अब उसमें सूखी मिर्ची, हरी मिर्ची और काला ज़ीरा या कलौंजी ऐड कर दूँगी। तो मैं आपको दो तरह के फरे दिखा रही हूँ, तो दोनों के तड़के अलग अलग दिखाऊंगी। अब इसको, फरे को मैं ऐड कर दूंगी इसमें एक एक करके, उसके बाद थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी ताकि स्टीम में पक जाए। 5 मिनट बाद मैं ढक्कन हटा दूंगी, उसके बाद इनको अच्छे से फ्राई करूंगी ताकि ये अलग अलग हो जाएं। जैसे ही ये अलग हो जाएंगे और अच्छे से फ्राई हो जाएंगे कुछ इस तरह से, तो आप उसको डिश आउट कर लीजिएगा। तो ये फरा का पहला वाला तरीका मैंने आपको दिखाया, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अब मैं दूसरा तरीका आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले नीचे एक बाउल ले लीजिएगा, उसमें पानी डाल दीजिएगा और उसको अच्छे से बॉईल कर लीजिएगा। उसके बाद इस तरह से फरे को ऐड कर दीजिएगा और ढक दीजिएगा। तो स्टीम में 5 मिनट पकना चाहिए। 5 मिनट बाद मैं लीड हटा दे रही हूँ और उसको एक साइड कर लूँगी, और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई बैठा दी है, उसमें तेल ऐड कर दिया है। इसमें मैंने हरी मिर्ची, खड़ा ज़ीरा और सूखी मिर्ची और सफ़ेद तिल ऐड किया है। क्योंकि मैं आपको ये दूसरा तरीका दिखा रही हूँ इसलिए मैंने तड़का भी दूसरा ही इस्तेमाल किया है। आप दोनों तड़के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं फरा ऐड कर दे रही हूँ जो मैंने स्टीम किया था। इसको आप कंटिन्यू चलाइएगा। आप इसमें हल्दी भी ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने चुटकी भर हल्दी ऐड की थी बाद में। तो ये भी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। दोनों तरीके ही बहुत अच्छे हैं फरे के खाने के लिए। अब मैं लास्ट में गार्निश के लिए धनिया पत्ती ऐड कर दे रही हूँ उसमें। देखने में कितना कलरफुल और यम्मी लग रहा है ना, तो प्लीज़ आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो मेरा दूसरा तरीका फरे का, या दूसरा स्टाइल फरे का, कुछ इस तरह से है। और ये चटनी जो आप देख रहे हैं इसको मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप बना सकते हैं इस चटनी को। तो आज मैं आपको दो तरीके फरे और दो तरीके चटनी भी दिखा रही हूँ। तो ये दूसरा तरीका चटनी का दिखा रही हूँ। इसमें मैंने 4 टमाटर काट लिए हैं, लहसुन 4-5 कलियाँ ले ली हैं, हरी मिर्ची ऐड करूँगी और 2 सूखी मिर्ची ऐड करूँगी इसमें। तो तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैंने ऐड कर दिया है खड़ा ज़ीरा, 1 चम्मच मगज का बीजा, सूखी मिर्ची ऐड कर दी है मैंने इसमें, और ऐड कर दूंगी लहसुन और हरी मिर्ची भी ऐड कर दूंगी साथ ही साथ। इनको थोड़ा सा आपको फ्राई करना है, याद रखिएगा जलाना नहीं है। उसके बाद ऐड कर दीजिएगा टमाटर। अच्छा, इसको ढकना नहीं है आपको, इसको धीमी आंच में आपको पकाना है, और लास्ट में धनिया पत्ती रफली आप ऐड कर दीजिएगा। और उधर मैंने धनिया पत्ती चॉप काटी है चीला बनाने के लिए। तो चीले के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है ये हरी मिर्ची 2-3, धनिया पत्ती बारीक कटी हुई और कद्दूकस किया हुआ अदरक। अब मैं एक बाउल में चावल आटा ले ली हूँ और उसको थोड़े थोड़े पानी डालकर अच्छे से मिक्स करके एक घोल तैयार करना है। लम्स बिल्कुल नहीं आने चाहिए, इस बात का आप
ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा। और इधर मेरी जो कढ़ाई में जो चटनी रखी है वो ठंडी हो चुकी है, उसको मैं मिक्सी जार में पीस लूँगी नमक के साथ। अच्छा, ये टमाटर बिल्कुल ही ऑप्शन है ना, मैं एक टमाटर ऐड कर रही हूँ इसमें। अब तवा अच्छे से गर्म हो गया था, उसमें ऑयल डाल दिया था मैंने अच्छे से, और उसके बाद ये चीला डाला है। जिस तरह आप डोसा बनाते हैं सेम प्रोसेस से ही बनाइएगा। पहले तवा को अच्छे से गर्म कर लीजिएगा, उसके बाद थोड़ा सा उसमें तेल, फिर ऑयल का थोड़ा सा छींटा दे दीजिएगा, तो इसमें टेम्परेचर ठीक रहता है तवे का। तो ये मेरा चीला इस रेडी, इसको अब मैं पलट दूँगी। थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा, उसके बाद पलट लीजिएगा इसको। ये खाने में बहुत ही यम्मी। सबसे बड़ी बात यह है कि चावल आटा हर घर में अवेलेबल रहता है, तो आप जब चाहें तभी फरा और चीला सुबह या शाम बना सकते हैं। और छत्तीसगढ़ी लोगों को ये दोनों रेसिपी बहुत पसंद है, मेरे घर में भी सभी लोगों को बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। और चीले में इस तरह की जाली होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो प्लीज़ दो तरह के फरे और चीले की रेसिपी को आप अपने घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा।